गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ माय न्यू व्लॉग। तो कहा था मैं डेली व्लॉग में ज़रूर मिलूँगा। तो आज टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और मैं लेट उठाऊँ सो के, मैं उठाऊँ आज 1 बजे। उसका रीज़न यह है क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे से आईफोन दिलवाने के बाद कपड़े धुलवाए। दिक्कत ये हुई है इसलिए मैं लेट उठाऊँ। तो फिलहाल मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो फिर आज मैं देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। हाँ, मैं एक बुआ का होम थिएटर लेके आ रखा हूँ तो उन्हें मैं वापस करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे साथ वर्षा दीदी भी जाएगी तो फिर ना वहीं इंजॉय करता हूँ। क्या ही करूँगा, वहीं पढ़ा रहूँगा पूरे दिन। उनका घर भाई साहब आलीशान महल है वो, तो मैं आपको उनका घर भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ खाने के बाद। मैं नहा के रेडी, तो मैं उठा था 1 बजे और मैं सोया हूँ 3:30 बजे क्योंकि भाई नींद ही नहीं आ रही थी। 2 बजे तक मैंने कपड़े धोए अकेले, वो भी सैल्यूट है मेरे को, शाबाशी देना चाहता हूँ मैं अपने आप को। घर वाले देख रहे हो, फ़ोन दिलाने के बाद कपड़े धुलवा दिए। अब तो बहुत सारे काम कराते हैं, कहते हैं अब तो सारे काम करेगा तो तेरे को आईफोन दिलाया है। तो आगे की बात ऐसी कि दीदी आ गई यहीं पर, मैं होम थिएटर ऊपर से उतार के ले आता हूँ क्योंकि मेरे को उन्हें देने जाना है, ठीक है? तो मिलते हैं हम रास्ते में। आज फिर हालत ख़राब हो गई मेरी, कल भी यही हुआ था और आज भी। चलो फिलहाल आज ये तो है कि आज हम ऑटो में हैं। मेरे को बचा रखा वो एक ये चश्मा और एक ये कैप है जिसने मेरे को बचा रखा। गाइस कह रहे हैं कि धूप में चलो, छाया में आते ही लगता है तुम जान आ जाती है शरीर। अंकल कह रहे हैं कि धूप में चलेंगे ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है और छाया में आते ही उनको राहत मिलती है। तो गाइस कहीं भी आप मिलो तो ऐसे लोगों को प्लीज़ पानी पिलाओ ज़्यादा हम भी धूप में चलते हैं, हमें भी कोई पिला दो। बुआ की यहाँ पे तो पहुँच चुके हैं, ये लिफ्ट आ गई नीचे। भाई ये लिफ्ट मरी हुई कैसे हो रही है, लाइट जलानी पड़ेगी क्या इसमें, ऐसा भी सीन है क्या? तो लाइट जला लिए, क्या गर्मी है, हमने पंखा चलाया, चल रहा मेरे हाथ पे आ रही है हवा, अब चला है। तो हम आ गए हैं फाइनली। वाह, तुम तो मैं वरना बोलने मिलवाता हूँ। गेट तो खुला हुआ है, तो लाइट भी मेरे को जलानी है। ये देखो हम मेहमान ही ऐसे, हम लाइट जलाई, हाय करो। ये देखो ये महंगे वाले आईफोन वाले लोग हैं ये। तो इसको तो मैं आलीशान महल दिखाता हूँ, हमें तुम आलीशान महल देखो। ये है आलीशान महल मेरी बुआ का, आ गई है पीने के लिए। ये बकरी गई थी लेने कोक, चिप्स भी आ गए। एक बार मैंने खाया था मैं तो पूरा का पूरा जैसे बच्चों को दे देता, फायदा नहीं। आज मेरे को यहाँ लेटे लेटे 5 बज गया तो अभी एक भी बुरी सी लड़की जो बैठी है और ये बनाएगी बुरी सी चाय, फिर खाएंगे अच्छी सी बिरयानी बुआ के हाथ की। तो आज रात को जाऊँगा सीधा यहाँ से घर, रात को रात ही हो जाएगी जाते जाते, रात को जाऊँगा जब तक यहीं टाइम पास करो अपना। वीडियो भी बना ली मैंने, बताओ यहाँ पे। चाय तो आ गई है, चाय पियो। कबाब बना रहे थे तो कबाब देखे तो वो तो ख़राब हो रहे हैं, फिर मैं आके इधर सो गया। मैंने कहा सो जाओ, अब मैं बनाता यार मस्त कबाब, फ्राई करता कबाब खाता। पर वो ज़्यादा दिन के हो गए थे तो थोड़े से ना अलग से दिख रहे थे, तो मैं देख के समझ गया मैंने हाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। फिर कोई नहीं, बिरयानी बन रही है बुआ, भाई साहब बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती है मेरी बुआ, बहुत टेस्टी। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, मेरे को क्या क्या दिख रहा है ये पता नहीं, क्या बोलते हैं बोले थे, अखनी बॉयल हो रही है और वो रहा चिकन बॉयल हो रही है, तो बिरयानी बन रही है अब। और मैं प्याज काट रहा हूँ, बुआ की हेल्प करा रहा हूँ। तो चलो यहाँ जी ये रखी, इसको तो तुम
जानते हो ये घर की लंका है हमारे। कौन सा वाला? ये वाला तो चाकू, ये वाला यूज करते हैं, पर ये पता नहीं चलता सीधा कहाँ से। सीधा इधर से ही। आज मेरे को फील आ रहा है कि मैं शेफ बन गया। पर मेरी फट भी रही, कहीं मेरी उंगली ना चल जाए कुछ। ये हो गए, चलो। तो गाइस प्याज कट गई है, अब ये तूतर में जाएगी, सॉरी कुकर में जाएगी। तो जाओ ले जाओ, अब मेरा काम हो गया। ये कुकर में नहीं जाएगी, ये कढ़ाई में जाएगी प्याज। मेरे को थोड़ी बोलने में मेरे को पता नहीं था किस में बनेगी, तो ये कढ़ाई में जाएगी। जाइए ले जाइए, सीधा बिरयानी रेडी हो जाए सीधा, तभी दिखाऊंगा। टेस्ट करेगा तभी पता चलेगा ना, तभी पता चलेगा। बनने में मैंने दिखा दिया कितने बनने। भाई गाइस बुआ ने तो बना लिया बिरयानी और उस बीच में सो गया था, मैं सो गया था। ये वाली घड़ी खराब हो रही है वो आपकी? वाह, सेल डाउन है, मतलब वही मान लो। तो अभी 8 बज रहे हैं, 6 बजे सो गया था। ओए होए मजा आ गया, नींद पूरी कर ली। अब मैं बिरयानी खाता हूँ, बहुत जहर बिरयानी बनी है भाई। खुशबू तो आ रही है, तगड़ी खुशबू आ रही है भाई बिरयानी की। बिरयानी की खुशबू ले रहा हूँ। तो गाइस बिरयानी बन चुकी है। ओ भाई साहब, ये बहुत तगड़ी बिरयानी बनी है, बुआ ने बनाई है भाई। अब मैं इसे ट्राई करता हूँ कैसी बनी है। गाइस हमने तो बिरयानी खा ली है, तो अब मैं चलता हूँ अपने घर। टाइम ज़्यादा हो गया है, 10 बज गए हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं। पापा का फोन आ रहा है, तो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, बाय बाय बुआ। घर आ चुका हूँ और मैंने जस्ट अभी कपड़े चेंज करे हैं और जैसे मैं अभी आया हूँ, तो अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।